स्वागत है आपका। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। और इस वक्त एक राहत भरी खबर से हम इस बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। दरअसल देहरादून के लोगों के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। कल से निगम के अंदर आने वाली कई फैक्ट्रियां खुल जाएंगी और फैक्ट्री के आसपास रहने वाले कर्मी उनमें जाकर काम कर सकेंगे। उन मजदूरों के लिए राहत भरी खबर है जो काफी दिन से बेरोजगार बैठे हैं, उनके आसपास की फैक्ट्रियां खुल सकेंगी। वो फैक्ट्रियां जो निगम के अंतर्गत आती हैं, निगम के कर्मचारियों को काम करने की अब इजाजत होगी। निगम के अंदर भी खुल सकेंगी किताबों की दुकानें। हालांकि प्रशासन की कुछ शर्तें हैं जिन पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। इन सभी फैक्ट्री मालिकों को इन निर्देशों का ध्यान रखना होगा और उन निर्देशों के अंतर्गत ही फैक्ट्री में कामकाज हो सकेगा। उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले जो कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, वो वहां आकर काम कर सकेंगे। नगर निगम देहरादून के अंतर्गत वो सारी फैक्ट्रीज चालू हो पाएंगी जिनके लेबर और स्टाफ जो है वो उन्हीं के एरिया में रहते हैं। मतलब वो फैक्ट्रीज स्टार्ट हो सकेंगी जिनका आना जाना नहीं होगा, वो अपने क्षेत्र में वहीं रह करके उसको चालू रख सकेंगे। इसके अतिरिक्त जो निर्माण कार्य प्राइवेट है नगर निगम देहरादून में, अगर उनके पास भी ऑन स्पॉट लेबर उपलब्ध है तो वो लेबर भी कार्य कर सकेगी कल से। इसके अतिरिक्त जो पुस्तकों की दुकानें हैं और पंखों की दुकानें जो अभी तक होम डिलीवरी कर रही थी, वो भी जो है अब वर्तमान में नगर निगम देहरादून के अंतर्गत जो है वो खुल सकेंगी सुबह 7 बजे से लेकर के 1 बजे। अगली खबर का रुख करते हैं। लॉकडाउन के दौरान अब स्थिति ऐसी हो गई है कि रोडवेज के जो बस चालक हैं, उन्हें बिस्किट और नमकीन खाकर अपना गुजारा करना पड़ रहा है। चालकों का आरोप है कि उन्हें केवल नमकीन और बिस्किट खाकर 24-24 घंटे तक बसें चलानी पड़ रही हैं। भूखे पेट कैसे चलेगी गाड़ी? बिस्किट नमकीन से कब तक भरेगा पेट? हमें तो जिंदा रहना है ना। 24 घंटे से भूखे ड्राइवर कैसे चलाएं बस? इससे पहले कि हम कुछ कहें, आप खुद ही उस बस ड्राइवर की जुबानी सुनिए जो पिछले 2 दिनों से बगैर कुछ खाए ही गाड़ी दौड़ा रहा है। उत्तरकाशी जाना है, ऐसे बिस्कुट खाते खाते जाएंगे साहब, 5-7 पैकेट रखे हुए जेब में, नमकीने रखी हुई है, यही खा रहे हैं और दौड़ रहे हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में तैनात ड्राइवर की दास्तां आपने सुनी। ये ड्राइवर 2 दिन से बगैर कुछ खाए सिर्फ बस को चला रहा है। पेट भरने के लिए इसके पास सिर्फ बिस्किट और नमकीन है। अब आप खुद सोचिए, इन हालात में कोई इंसान आखिरकार कब तक काम कर सकता है? खाने को तो है ही नहीं कुछ हमारे पास। जिस थाने चौकी में जाते हैं कुछ साफ खाने के लिए है कि नहीं जी, यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है। देहरादून में थे कल शाम को, उन्होंने चावल दिए दाल डाल के और वो भी खाई नहीं गए, फेंके भी तो कुत्ते ही नहीं खा रहे उसको, तो हम कहाँ से खाएंगे। ये बस ड्राइवर पंजाब और हिमाचल में फंसे टिहरी और उत्तरकाशी के लोगों को लेकर आया है। इसकी ही तरह से और कितने ही बस ड्राइवर दिन रात काम पर डटे हैं और दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को लेकर उत्तराखंड आ रहे हैं, लेकिन इनकी शिकायत है कि सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। मैं सुबह 5 बजे तो खाना बनता नहीं है कि हम बासी खाना लेके आए, अभी अपना बिस्कुट रख के अपना आ गए, अपना यही दिए बिस्कुट, हमने यहीं मिला खाने के लिए, भी रास्ते में कहीं रोक भी नहीं पाए गाड़ी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि बस ड्राइवर्स को खाना क्यों नहीं मिल पा रहा? क्या उत्तराखंड में राशन की कमी है या फिर बस ड्राइवर से सरकार को कोई लेना देना नहीं है? परिवहन विभाग की वैसे बात की जाए तो वो इस समय खुद संकट से गुजर रहा है। ये बात खुद परिवहन मंत्री यशपाल आर्य कह चुके हैं। 3 महीने से वेतन नहीं दे पाए हैं। जो हमारे ट्रांसपोर्टर व्यवसाय से जुड़े करीब 1.25 लाख चालक परिचालक हैं, जो ट्रांसपोर्टर हैं करीब 1.5 लाख ट्रांसपोर्टर हैं, उनको भी विशेष पैकेज के माध्यम से आर्थिक मदद देने का मैंने माननीय गडकरी साहब से अनुरोध किया है, क्योंकि इस दौरान जो हमारा ये सीज़न है, केदारनाथ धाम यात्रा है, हेमकुंड साहिब है, कैलाश मानसरोवर यात्रा है और अन्य यात्राएं हैं, सब प्रभावित हुए हैं। तो क्या उत्तराखंड में आर्थिक संकट है? ड्राइवर्स तक को खाना नहीं मिल रहा तो फिर आम आदमी की हालत क्या होगी? क्या सरकार के पास राशन के भी पैसे नहीं है? उत्तराखंड में लॉकडाउन को लागू हुए महीने भर का ही वक्त हुआ है,
जब अभी से ये स्थिति हो गई है तो आने वाले दिन में हालात वाकई खराब हो सकते हैं। सोचने वाली बात है कि बस ड्राइवर तक भूखे पेट बस चला रहे हैं। मजदूर की शिकायत है कि उन्हें खाना नहीं मिल रहा। पिछले दिनों नेपाली मजदूर पत्ते खाते नजर आए थे। राशन के लिए लोगों को खटीमा में हंगामा करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार कैसे कह सकती है कि उत्तराखंड के हर आदमी को चैन से नींद आ रही है। सिर्फ हवा हवाई दावों से आम आदमी का पेट नहीं भरने वाला है। देहरादून से अजीत सिंह राठी के साथ टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वाकई दिक्कत जायज है। परेशानी जिस तरह से ड्राइवरों की हो रही है, बहुत ही दयनीय स्थिति में इस वक्त वो काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी नौबत आई क्यों? चर्चा के लिए इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं देहरादून से। अजीत, दो सवाल बड़े हैं यहाँ पे। एक तो 24 घंटे की ड्यूटी है ड्राइवर्स कर रहे हैं, और दूसरी अहम बात ये कि बसों को कहीं रोका नहीं जा सकता कि अपने खाने पीने का इंतजाम खुद कर लें, तो ये जिम्मेदारी सीधे तौर पर प्रशासन की बनती है। क्यों ऐसी नौबत आई कि इनको खाना तक नसीब नहीं हो रहा जबकि ये सरकारी ड्यूटी पर है? आस्था, देखिए, आपने जो बात कही है तो वो बिल्कुल सही है, और ये इनका इंतजाम करने की जो जिम्मेदारी थी वो सरकार की थी। और जब सरकार ये जानती है कि जहाँ से ये ट्रैवल कर रहे हैं, जहाँ जिस गंतव्य को जा रहे हैं उस बीच में लॉकडाउन के चलते कोई भी रेस्टोरेंट, कोई ढाबा, कोई दुकान नहीं खुली है, तो ड्राइवर ऐसे में कहाँ खाएगा और कैसे अपना भरपेट भोजन करेगा और कैसे काम करेगा? तो ये एक बड़ी गंभीर स्थिति उत्तराखंड में हो गई है। अभी अब हमारे दर्शकों ने सुना, हम भी कल से ये बात सुनते आ रहे हैं। यशपाल आर्या परिवहन मंत्री हैं प्रदेश के, और वो खुद कह रहे हैं कि हम 3 महीने से अपने जो परिवहन कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह नहीं दे पाए हैं। बड़ी बैड सिचुएशन है, और ये जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं ये व्यक्ति को, संस्थान को, सरकार को खबरदार करती हैं, ये सावधान करने का काम करती है कि आप सचेत रहिए। लेकिन इसके लिए पहले से सचेत रहना होता है। अब आप केंद्र सरकार से अपने कर्मचारियों के वेतन का पैसा मांग रहे हैं, अभी लॉकडाउन हुए 1 ही महीने हुआ है, जीएसटी कलेक्शन भारत सरकार का और आपका दोनों का बंद है, तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? अगर भारत सरकार आपको अनुदान देगी तो दूसरे राज्य भी हाथ फैलाए खड़े हैं, उनका कैसे उनका निपटान किया जाएगा, कैसे सबकी ख्वाहिशें पूरी की जाएंगी? तो ये तो एक अलग से रेवेन्यू की बात रही कि रेवेन्यू का कलेक्शन सभी का गिर रहा है। दूसरी बात ये कि पूर्व में इंतजाम कर लिए जाने चाहिए थे। कभी उत्तराखंड में ऐसा कोई वाक्या नहीं आया कि कभी आय के संसाधनों को बढ़ाने के लिए कोई काम किया गया हो। समितियां बनी, और समितियां बनने के बाद उनकी रिपोर्ट कहाँ गई, उन्होंने क्या किया, उनकी रिपोर्ट पर क्या हुआ, ऐसा कभी कोई मामला सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। तो ये यही स्थिति है कि 50,000 करोड़ से ज़्यादा के कर्ज में डूबे उत्तराखंड में ये स्थिति आज आ गई है कि परिवहन कर्मियों को आज वेतन देने के लाले पड़ गए हैं। और अभी स्थिति ये है कि अभी आवश्यक सेवाओं के लिए जो चीज़ें चल रही हैं, अभी आप हमारे चैनल ने सबसे पहले ये दिखाया था कि काशीपुर में किस तरह से मजदूर पत्ते खाकर अपने जीवन का निर्वहन कर रहे थे। तो ये ऐसी तमाम चीज़ें, तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, सरकार को इस पर सचेत होना चाहिए। इस तरह की तस्वीरें दर्शकों के सामने रख रहा है कि दरअसल प्रशासन के विभाग के अंदर के कई मुद्दे हैं जो महीनों से लंबित पड़े हैं, और अब नौबत यह आ चुकी है कि खुद परिवहन मंत्री जो हैं वो सामने आके कह रहे हैं कि हम तनख्वाह नहीं दे पा रहे और ड्राइवर्स बेचारे नमकीन बिस्किट खाकर गुजारा कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए अजीत हमारे साथ, आगे हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन देखिए इससे जुड़े हुए कई और मुद्दे हैं। पिथौरागढ़ के रहने वाले कई लोग हैं जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, जिनमें मुंबई से लेकर राजस्थान, गुजरात, ऐसी जगहों पर ये लोग फंसे हैं, और उन्होंने बाकायदा एक वीडियो बनाकर प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इन लोगों का साफ कहना है कि इनके सामने खाने पीने की चीजों का संकट है। उधर डीएम का कहना है कि इस बारे में शासन से बात की जाएगी। कर दो, इतनी हेल्प कर दो सर हमारी। घर वापसी की गुहार अब इन तमाम लोगों ने लगाई है। अलग अलग राज्यों में ये फंसे हुए हैं और अब प्रशासन से ये गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें कैसे भी करके अपने राज्य, अपने घर पर वापस पहुंचाया जाए। इन लोगों ने वीडियोस बनाई हैं और प्रशासन को अपनी स्थिति से वाकिफ किया करवाया है कि दरअसल किस हालात में हम इस वक्त जी रहे हैं। आपको बता दें, सिर्फ यही लोग नहीं, इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस स्थिति में फिलहाल रह रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना जी सीधा जुड़ रहे हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, सीधे आपको उनके पास लिए चलते हैं। सूर्यकांत जी, मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा है। देखिए, ये एक पैंडेमिक सिचुएशन है, एक महामारी की सिचुएशन है, कोई भी इसके लिए उस तरह से तैयार नहीं था, किसी को नहीं पता था कि ये स्थिति इतनी लंबी खींचेगी। पर इस बात में भी सच्चाई है कि लोग जो हैं वो जहां तहां फंसे हैं, उनके पास संसाधन नहीं है, अब अपने ही राज्यों की सरकारों से गुहार लगा रहे हैं। आपने भी इस बात को लेकर सीएम तक पहुंचने की कोशिश की लेकिन मुलाकात नहीं रह पाई, तो अब आगे क्या प्रयास
जारी रहेंगे आपकी तरफ से? देखिए आस्था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था। आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक दिन पहले, कल उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर समय मांगा बाकायदा, और उन्होंने आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं कैबिनेट के बाद आपसे 5 बजे मुलाकात करूंगा। उनको बता दिया गया था कि हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मिलने जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐप लॉन्च किया और उस ऐप के माध्यम से पूरे देश भर में जो उत्तराखंड के लोग फंसे हुए हैं, महाराष्ट्र से लेकर के, उड़ीसा से लेकर के, पश्चिम बंगाल से लेकर के, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे जो कर्मी हैं, जो काम करने वाले, हमारे जो वर्किंग फोर्स है, बहुत बड़ी तादाद में वो लोग हैं। उसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय में और देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में, हायर स्टडीज के लिए जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से गए हुए हैं, कोचिंग के लिए गए हुए हैं, वो भी बड़ी तादाद में पूरे देश के अंदर हमारे फंसे हुए हैं। एक महीने से ऊपर लॉकडाउन का टाइम हो गया है और तमाम लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, जो काम करने वाले लोग हैं वो परेशान हैं, उनके पास राशन खत्म हो गया है, उनकी जेबें खाली हो गई हैं, पैसे उनके पास नहीं है, और आप लगाइए कि इतने लंबे समय तक जब आदमी लॉकडाउन में फंसा रहेगा। बिल्कुल, जो स्थिति आप इस वक्त बता रहे हैं सूर्यकांत जी, दरअसल एबीपी गंगा भी तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा है कि लोगों को परेशानी है, लेकिन एक विपक्षी दल होने के नाते इस स्थिति में आपका भी दायित्व है कि आप सरकार के साथ खड़े रहें, और कहीं चूक होती है, कहीं गलती होती है तो उसको भी आगे आकर आप बताएं। आपने सीएम से मिलने का टाइम लिया लेकिन फिलहाल मुलाकात नहीं हो पाई है, इसी उम्मीद के साथ कि आगे आप इसके लिए प्रयासरत होंगे और एक सही तस्वीर आप लोगों के सामने लेकर आएंगे, उनके हक की आवाज को आप उठाएंगे। और इस वक्त एबीपी गंगा के साथ आप जुड़े और आपने बताया कि किस तरह से लोग परेशान हैं, आपके भी संपर्क में हैं, तो हम भी यही चाहेंगे कि आप आगे लोगों की जो उम्मीद है उसे तोड़े नहीं, उसे सही जगह सही फोरम पर बिना राजनीति किए उठाएं। देहरादून से इस वक्त अजीत सिंह राठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ। अजीत, ऐसा लगता है कि कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया है बैठे बिठाए। जी आस्था, देखिए मुद्दे तो चूंकि राजनीति सक्रिय रहती है और गतिशीलता का नाम राजनीति है, तो मुद्दे जो भी होते हैं वो मिलते ही रहते हैं। आज कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से मिलने का समय लिया था, जैसे अभी आपको सूर्यकांत धस्माना जो उपाध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस के, उन्होंने बताया। तो तमाम ये कांग्रेस पहले से ही भेदभाव का आरोप लगाती आ रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भाई जो एनजीओज काम कर रहे हैं, जो लोग ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जिनके पास खाना नहीं है, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, जिनके पास तमाम वो सुविधाएं नहीं हैं जो जीने के लिए ज़रूरी हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी केवल अपने स्तर से काम करवा रही है और कांग्रेस को काम इस तरह से करने नहीं दिया जा रहा है। हाँ, ये वाकई ये सियासत भी हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, मुख्यमंत्री ने अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी रोका है, वो केवल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काम करवा रहे हैं। लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि कोई सियासत ना हो, कोई राजनीति ना हो, आम जनता से जुड़ा हुआ ये विषय है, लोगों के हक की आवाज है, वो किसी परेशानी में है, तो मिलजुल कर अब सबका दायित्व है उनको उस परेशानी से बाहर निकालना, उनके लिए मुकम्मल इंतजाम करना। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक का यहां पर वक्त हो चला है, खबरें अभी और भी हैं, आप बने रहिए बीपी गंगा के साथ।